पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आज पंजाब का बजट पेश किया। इस बजट की एक खास बात यह है कि छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएंगे। इससे पहले हिमाचल सरकार ने 1 रुपए में बच्चियों को सैनिटरी पैड देने की घोषणा की थी। आज वित्त मंत्री ने इस घोषणा का विवरण देते हुए कहा कि इस बजट में 10 करोड़ रुपए बच्चियों के लिए टॉयलेट बनाने और मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए रखे गए हैं। सब जो बच्चियां हमारी बेटियां हैं छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास में हैं, और कई बार कई बच्चे जो हैं वो इनरोलमेंट पंजाब में इस वक्त से कम थी कि बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं थी, बच्चों के लिए सैनिटरी नैपकिन नहीं थे। तो हमने इस बजट पे कोशिश की है कि जितने भी स्कूल हैं बच्चों खास करके गर्ल्स स्कूल हैं उनमें टॉयलेट्स मुहैया कराई जाएँ, और छठी से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको लिए सैनिटरी नैपकिन जो है मुफ्त दिए जाए, इसके लिए 10 करोड़ रुपए मखसूस किए। थैंक यू सर। थैंक यू जी।